थैंक यू थैंक यू. कौन सा फोन है आपका, कौन सा फोन यूज करते हो आप? ओप्पो यूज करते हो, ठीक है. आप सबसे ज्यादा मोबाइल में कौन सा ऐप है जो यूज करते हो? सबसे पहले तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ. पब्लिक ने मुझे सिंगर बना दिया, पब्लिक ने ही मुझे एक्टर बना दिया. ये ऐप क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आता है. व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप चेक करता हूँ. व्हाट्सएप यूज करते हो? हाँ. सबसे ज़्यादा. अच्छा, आपका वॉलपेपर क्या है? वॉलपेपर मुझे ऐसा फील होता है कि माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस का दुलार प्यार, और ये हमारे हनुमानगढ़ी के बाबा हैं जो मुझे लगता है कि मैं कभी भी किसी भी समय में अगर परेशान होता हूँ या दुखी होता हूँ और यहाँ जाके मैं माथा टेकता हूँ तो मुझे लगता है मुझे रिलीफ मिल गया. तो ये हमारे बाबा हैं जिनको मैं, इनको रखता हूँ, माता पिता को रखता हूँ, ऑडियंस को रखता हूँ, उनका फोटो रखता हूँ. आपके मोबाइल में कितना अलार्म है जो आप लगा रहे हो? कितना अलार्म? मोबाइल में मेरा कोई अलार्म नहीं है. मोबाइल मेरा साइलेंट मूड में रहता है. क्योंकि अलार्म में रखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा. कितने फोन गैलरी में कितने फोटोज हैं? नंबर मेरे फोन में कितना नंबर है? फोटो 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 हो ही 3-4 हज़ार. नहीं नहीं मैं जिसको मानता हूँ, जिससे थोड़ा मस्ती करता हूँ, उसको उसके फ़ोटो पे मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा, वो पता नहीं किसी का देखा तो मैं सीख गया कि हाँ वो चश्मा कैसे लगेगा, टोपी कैसे लगेगा, या औरत कैसे बना दिया गया एक एक लड़के को. तो ये आदमी, ये मैं जिसको मानता हूँ उसका फ़ोटो एडिट करके मैं उसको व्हाट्सअप करता हूँ. मैं अपना फोटो नहीं खींचता हूँ. मेरा फोटो तो जो दुनिया मुझसे प्यार करता है वो खींचता है. बाकी एक दोस्त है मेरा जिसका नाम है दीपक, उस आदमी के साथ मैं फोटो लेता हूँ. कहाँ है भी या नहीं, सॉरी अभी दीपक के साथ कोई फोटो नहीं, अभी खोज रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है. नहीं खोजूंगा तो मिल जाएगा. सॉरी. अच्छा, लास्ट मिस कॉल किसका है आपके फोन में? लास्ट मिस कॉल अभी एक तो आपका आया. और दूसरा हमारे वाइफ का आया. अभी किया नहीं हूँ, वो वाइफ से ही बात किया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी सारा सवाल भी किए कि जाते निकलिए वहाँ से. तो सबसे फेमस पर्सन कौन है आपके फोन में? किसका नंबर है ऐसा जो बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा? किस एक्टर का है, किसी का नंबर है? मेरे फ़ोन में मैं सो के उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, और मेरे लिए उससे बड़ा कोई ना है और ना ही ब्रह्मांड में कोई हो सकता है, क्योंकि माँ है तो सब है. मोस्ट यूज्ड ऐप, सबसे ज्यादा इमोजी कोई व्हाट्सएप पे आता है ना, कोई आंख मारता है, स्माइली करता है, तो आप कौन सा यूज करते हो? वो स्माइली छोटी छोटी करती है, आप कौन सा ज्यादा वापरते हो? नहीं समझा, सॉरी. वो व्हाट्सएप पे जो भेजा जाता है क्या, वो थम करके या हंसना या आंख मारना? इसमें से मेरा फेवरेट कोई नहीं है. वो सब जो मुझे भी भेजता है ना, मुझे एक बात पे और गुस्सा आता है. एक आसानी से मिल गया है ना, हाथ जोड़ के प्रणाम,
वो प्रणाम देखता हूँ तो मन करता है मैं अपना मोबाइल फोड़ दूँ। अरे प्रणाम करना है तो प्रणाम लिखो, लिख के भेजो प्रणाम, कुछ बोलना नहीं है बस प्रणाम। ऐसे ऐसे सिस्टम से मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ। लास्ट स्क्रीनशॉट भी मैंने अपने वाइफ का ही लिया। क्या किसी को आप आपके फोन से मतलब ऐसे दे देते हो देखने के लिए या फिर नहीं दे सकते? शेयर कर सकते अपना फोन किसी के साथ? मैं जब इसमें कुछ है ये नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि आदमी किसका नंबर फिट रखा है किस नाम से, अगर उस आदमी का कोई नंबर ले ले सामने वाले को फ़ोन कर करके परेशान कर दे, तो इसलिए आदमी चाहता है कि नंबर या मोबाइल किसी के हाथ में ना जाए। बाकी वैसे कुछ मोबाइल में है नहीं छुपाने वाला कि हाँ क्या है क्या नहीं, आप देख लीजिए जो देखना है। मैं जिसको फ़ोन करूं वो मेरा फ़ोन ना उठाए तो मैं जीवन में उनको कभी फ़ोन नहीं कर सकता हूं, भले मैं रोड पे क्यों ना चला जाऊं। ये मेरा ईगो नहीं है, ये हमारे चाचा हमारे गुरु हैं जिनका नाम है श्री अजीत सिंह जी, वही हमको सिखाए हैं बेटा इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल दुनिया हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि बगैर फ़ोन का आज के डेट में कोई नहीं रह पाएगा। पहले हम लोग जब बच्चे थे तो डाक वाला जब आता था तो हम लोग दौड़ के ये हमारे यहाँ का कुछ आया है क्या, हमारे यहाँ कुछ आया है, वो एक समय दूसरा था, वहाँ उस समय का इमोशन कुछ और था। लेकिन आज के डेट में सारे रिश्ते भी डिजिटल हो गए हैं तो बगैर इसके काम नहीं चलने वाला है। आदमी अभी इंटरव्यू दे रहा है लेकिन फिर भी हाथ में मोबाइल है। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? बहुत अच्छा और बहुत सालों के बाद मैं बोला भी हूँ इतना।